संपर्क कार्यक्रम की पहल के अंतर्गत रिटेल, कृषि, वाहन, आवास, एमएसएमआई, शिक्षा और व्यक्तिगत उपभोक्ता ऋण स्वीकृति प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा निर्धारित 400 जिलों में ये योजना शुरू की जा रही है। कार्यक्रम के पहले चरण के लिए हमीरपुर जिला को भी चुना गया है, जिसके तहत राजकीय भौतिकी महाविद्यालय बड़ू में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अग्रणीय जिला बैंक पंजाब नेशनल के साथ जिला हमीरपुर के सभी सार्वजनिक बैंक, आरबीआई, नाबार्ड, जिला उद्योग विभाग और अन्य अधिकारी इस मेगा इवेंट का प्रबंधन करेंगे। कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक अचल कार्यालय शिमला की महाप्रबंधक रीता कौल ने 16 बैंकों के डीसीओ के साथ एक बैठक आयोजित किया और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम का जायजा लिया। ग्राहक संपर्क कार्यक्रम की पहल खाता खोलना, मूल बचत बैंक जमा खाता खोलना, भीम ऐप डाउनलोड करने में ग्राहकों की सहायता करनी, विभिन्न बैंकों के स्टॉल वहां होंगे जो ग्राहकों को उनके बैंक से संबंधित सहायता प्रदान करेंगे एवं जनता को बैंकिंग से संबंधित सभी वांछित सूचनाओं का प्रावधान करेंगे। कार्यक्रम का संचालन पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ वित्तीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया जाएगा। गांधी जयंती के अवसर पर फिट इंडिया हिट इंडिया मैराथन में 2 किलोमीटर दौड़ हिम गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के अध्यापक और विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके बाद भाषण प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्मी बाई हाउस प्रथम तथा नेताजी सुभाष चंद्र हाउस द्वितीय स्थान पर रहा। हमीरपुर के गांधी चौक पर गांधी जयंती के उपलक्ष पर ब्लू स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने स्वच्छता अभियान मनाया। इस उपलक्ष पर स्कूल के बच्चों के साथ स्कूल के अध्यापक भी शामिल हुए। बच्चों ने स्वच्छता अभियान को लेकर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। हाथों में तख्तियां लेकर वे घर घर में यही नारा पर्यावरण रहे सुरक्षित हमारा जैसे नारे लगाकर सभी लोगों को स्वच्छता के संदेश दिए। ब्लू स्टार के बच्चों ने बताया कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष पर स्वच्छता अभियान बना रहे हैं और रैली निकाल कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने आसपास सफाई रखें और स्वच्छता अभियान को अपनाएं। बच्चों ने कहा कि गांधी जी का ये सपना था कि हमारा भारत स्वच्छ बने और हम चाहते हैं कि ये मैसेज सब तक पहुँचे और सब लोग जागरूक हों कि हम सबको अपना पर्यावरण स्वच्छ व सुंदर बनाना है और अपने आसपास भी सफाई रखनी है और प्लास्टिक को प्रयोग में नहीं लाना है, क्योंकि आधे से ज्यादा नुकसान पर्यावरण को प्लास्टिक की वजह से होता है। वहीं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा श्रुति ने बताया कि आज गांधी जयंती के उपलक्ष पर हमीरपुर के गांधी चौक पर स्कूल के बच्चों द्वारा रैली निकालकर स्वच्छता अभियान मनाया गया और साथ ही सभी देशवासियों को भारत को स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया गया। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के छात्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले 2 अक्टूबर को ही स्वच्छता अभियान चलाया था, उसी के चलते आज हमारे स्कूल के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी को स्वच्छता का संदेश दिया और कहा कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। हमीरपुर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में गांधी जयंती के उपलक्ष पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अस्पताल के आसपास की सभी झाड़ियां उखाड़ी गई और अस्पताल के अंदर व प्रांगण में भी सफाई की गई। अस्पताल के सफाई कर्मचारियों के साथ साथ अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने भी सफाई में भाग लिया।
अस्पताल के संयुक्त निदेशक राकेश शर्मा ने बताया कि आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर मेडिकल अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि आज सारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल अस्पताल में सफाई कर्मचारियों सहित अस्पताल के डॉक्टरों ने भी इस अभियान में भाग लिया है।